बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका इंट्रो हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको डेफिनेशन की सेंस में दिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। आपको गिवन ये है कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। इस फंक्शन की वैल्यू आपने डिफरेंट पॉइंट पे फाइंड करनी। जैसे इसका पहला पार्ट ये है कि आप एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करें। अब एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करने से मुराद ये है कि जो आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपने इसके अंदर एक्स की जगह माइनस टू पुट कर देना, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस टू पे फाइंड हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जी, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस टू इन f ऑफ x, तो आपके पास f ऑफ x का आंसर ये, सॉरी, माइनस टू पुट करने से, यहाँ भी माइनस टू इसका स्क्वेयर और x की जगह फिर माइनस टू, तो माइनस टू का स्क्वेयर ये फोर हो गया, माइनस माइनस ये प्लस टू, तो आंसर आ गया जी सिक्स। अब ये इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन आपको गिवन है, आपको बताया भी जाएगा कि आपने किस वैल्यू पे उसको फाइंड करना है, आपने बस x की जगह उसे पुट कर देना, तो ये आपके आंसर को कंप्लीट कर देगा। इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 1 के आगे चार पार्ट गिवन हैं, ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको कहा गया है कि f ऑफ 0 फाइंड करें, तो आपने x की जगह 0 पुट कर देना है। फिर पार्ट नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि f ऑफ x माइनस 1 फाइंड करें। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो f ऑफ x गिवन है, आपने जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है उस x को रिप्लेस करके वहाँ x माइनस 1 पुट कर देना। अगर इसको हम सॉल्व करें तो f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू, आप इस x की जगह पुट करेंगे जी x माइनस 1 इसका स्क्वेयर माइनस, और ये आगे x की जगह भी आप रिप्लेस कर देंगे x माइनस 1। आगे जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन है, जैसा कि आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये स्क्वेयर खोलेंगे तो ये आंसर आएगा जी x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x, और ये माइनस इसके साइन चेंज करेगा तो माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आंसर कंप्लीट करते हुए एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस एक्स मिलकर ये माइनस 3x और 1 प्लस 1 ये आंसर हो गया 2, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स माइनस 1। इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 4 होगा वो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब इसको फाइंड करने से मतलब ये है कि जो भी आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपने उसके अंदर जहाँ जहाँ पे x लेफ्ट साइड राइट साइड पे नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने x स्क्वेयर प्लस 4 रिप्लेस कर देना है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन उसका ए पार्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक बी पार्ट है, और उस बी पार्ट के अंदर भी आपको जस्ट फंक्शन चेंज किया जाएगा। फंक्शन आपको गिवन है f ऑफ x प्लस 4 और इसका स्क्वेयर रूट, और आगे फाइंड करने के लिए आपको यही कुछ दिया गया, इसी तरह जैसे आपने ये जो चार पार्ट किए हैं, ये एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4। मीन आपने इस x के अंदर जो जो कहा जाएगा उसको रिप्लेस करना है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, उसमें भी आपको चार फंक्शन गिवन है, और लेकिन उसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ है जो फाइंड करने को दी जा रही है जी। सपोज आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 1 एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 6x-9। अब ये एफ ऑफ एक्स है जी 6x-9, और आपका क्वेश्चन ये है कि आप एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इस सारे की वैल्यू फाइंड करें। अब क्लियर है स्टूडेंट्स आपके लिए कि अगर आप सपोज दैट एफ ऑफ एक्स गिवन है और आपको इस सारे की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले आपने इस एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ए प्लस एच बनाना है, और फिर इसी एफ ऑफ एक्स को यूज़ करके आपने एफ ऑफ ए बनाना है। मतलब कैसे बनाना है, जो आपने पहले पार्ट में सीखा है कि सपोज अगर आप एफ ऑफ ए प्लस एच बनाते हैं, तो एफ ऑफ ए प्लस एच से क्या मतलब है कि आप इस तरफ 6 और इस एक्स की जगह पुट कर दें ए प्लस एच माइनस 9। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो 6a प्लस 6h
माइनस नाइन, मतलब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब आप एफ ऑफ ए फाइंड कर लें, तो एफ ऑफ ए फाइंड करने से मतलब कि आप इसी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह आप ए रिप्लेस कर दें, तो सिक्स ए माइनस नाइन। अब आपका एफ ऑफ ए प्लस एच भी हो गया, एफ ऑफ ए भी फाइंड हो गया। अब आपने इसके अंदर ला के इसको पुट करना है ताकि इस सारे की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो अगर इसके अंदर हम वैल्यू पुट करें तो एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह क्या लिखेंगे, सिक्स ए प्लस सिक्स एच माइनस नाइन, और फिर आगे माइनस एफ ऑफ ए की जगह हम लिख रहे हैं सिक्स ए, और माइनस की वजह से साइन चेंज होगा तो ये प्लस नाइन डिवाइडेड बाई एच। सिक्स ए से सिक्स ए कैंसिल, माइनस नाइन से माइनस नाइन प्लस नाइन कैंसिल, पीछे रह गया जी सिक्स एच ओवर एच, और एच से एच कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया जी सिक्स। अब ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है और आपको एक पर्टिकुलर चीज़ फाइंड करने को दी गई है जिसका डाटा आपने पूरा करना है, और पूरा करके उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर देनी है इसके अंदर। तो इसी का एक पार्ट जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे वो पार्ट नंबर थ्री जो बनता है वो आपने खुद सॉल्व करना है। मैं आगे दो पार्ट हैं इसके, साइन और कॉस के लिहाज से उनमें से एक सॉल्व करता हूँ। अगर आपके पास सपोज दैट एफ ऑफ एक्स गिवन है वो है जी साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इसका गिवन है जी फंक्शन आपके पास साइन एक्स, और क्वेश्चन सेम टू सेम यही है कि आप फिर यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इस सारे की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है, काम आपने यही करना है कि पहले आपने एफ ऑफ ए प्लस एच बनाना है यहाँ से। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर एफ ऑफ ए प्लस एच अगर हम बनाते हैं तो ये राइट साइड पे आएगा जी साइन, और इस एक्स की जगह हम पुट करेंगे ए प्लस एच, तो ये एफ ऑफ ए प्लस एच वक्ती तौर पे इतना ही बन गया। फिर आप एफ ऑफ ए बनाना, तो एफ ऑफ ए बनाने का तरीका ये है कि आप साइन और इस एक्स की जगह भी आपने ए लिख देना। अब ये एफ ऑफ ए प्लस एच भी फाइंड हो गया, एफ ऑफ ए भी हो गया, और ये दोनों आपने यहाँ ला के पुट करने, तो नाउ हम कह सकते हैं जी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, और इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें एफ ऑफ ए प्लस एच, ये है हमारे पास है साइन ए प्लस एच माइनस, और एफ ऑफ ए की जगह साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अब वैसे तो बाहर ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ना ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़े थे कि सम से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सम में जाने वाले फार्मूले, तो उसके अंदर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि दो साइन दरमियान में माइनस, इस वाले सम को अगर आपने प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना हो तो उस प्रोडक्ट का केस क्या होता है। अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग जानते हैं कि वो हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ा हुआ है, साइन सपोज पी आप लिख लेंगे एंगल माइनस, हम माइनस की बात करते हैं सिर्फ उसी को यूज करते हैं, फिर साइन क्यू। अब आप याद करें जी हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर साइन पी माइनस साइन क्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट की शक्ल में इसको हम ऐसे लिखते हैं जी टू कॉस पी प्लस क्यू बाय टू, और फिर साइन पी माइनस क्यू बाय टू। तो हम ये पढ़ चुके हैं जी साइन पी माइनस साइन क्यू, यानी इस सम को अगर प्रोडक्ट की शक्ल में लिखना हो तो टू कॉस पी प्लस क्यू बाय टू और साइन पी माइनस क्यू बाय टू, और ये फिर साइन ये वाला जो केस है ये आप इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये जो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए, अगर ये वाला फार्मूला हम वहाँ यूज़ कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा जी टू कॉस, और ए प्लस एच का मतलब आप इस सारे ए प्लस एच को पी यानी पहले एंगल के तौर पे ले लें और इस वाले ए को आप क्यू समझ लें, तो आपका फार्मूला है जी टू कॉस पी प्लस क्यू, और पी से मतलब यहाँ ए प्लस एच और क्यू से मतलब ये ए है, और डिवाइडेड बाय टू। फिर आगे साइन पी माइनस क्यू, और पी से मुराद यहाँ पे ए प्लस एच माइनस, और क्यू से मुराद यहाँ पे ए है, और डिवाइडेड बाय टू, और ये जो एच है इसको आप साइन